जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एमवी कलेक्शन में। ठीक है, तो एमवी कलेक्शन एक बार फिर से एक और नया बोर्ड लेकर आया है आप लोगों के लिए, जो कि है हमारा ड्राइवर बोर्ड। ठीक है, ये है 5000 वाट का ड्राइवर बोर्ड। बाकी इतना सारा सामान जो रखा हुआ है, इसके बारे में भी सारा कुछ डिटेल्स बताऊंगा ये क्यों रखा हुआ है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, यहाँ पर जो 5000 वाट का ड्राइवर बोर्ड है, ये बोर्ड है एमवी कलेक्शन द्वारा मैन्युफैक्चर करने वाला। ये अभी नया बोर्ड मैन्युफैक्चर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इस बोर्ड की जो क्वालिटी होने वाली है वो मार्केट से पूरी हटकर होने वाली है। जो भी आप लोग इसको खरीदोगे आपको इसके बारे में चल जाएगा पता। बाकी इसके क्या फीचर्स हैं, क्या इसमें प्रोटेक्शंस हैं, क्या इसमें पावर है, वो सारी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये 5000 वाट तक का जो ड्राइवर सेक्शन है, ये 5000 वाट तक आपको आउटपुट निकाल कर दे सकता है अगर आप इसमें आउटपुट ट्रांसफार्मर ट्रांजिस्टर लगाते हैं। ठीक है, तो इस आप बोर्ड से ना लगभग आप 30 पेयर तक आप ड्राइव कर सकते हैं इस पे। ठीक है, मतलब 30 पेयर 30 पेयर आप 2SC 5200 और 1943 30 पेयर लगा सकते हैं। ये उस इतने 30 पेयर को ड्राइव कर सकता है अच्छे से, इसकी इतनी ज़्यादा पावर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो क्वालिटी होने वाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। एमवी कलेक्शन ने एक और फैसला लिया है नया, कि उनके जितने भी बोर्ड्स होंगे एमवी कलेक्शन के, सब बोर्ड में 70 माइक्रोन की आपको कॉपर मिलेगी हर पीसीबी के बैक में। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको पीसीबी में फ़र्क दिख रहा होगा, अलग ही ये उभरे उभरे लग रहा होगा, जितने भी प्रिंट है ना ये अलग ही उभरे उभरे लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये 70 माइक्रोन पर बनी हुई है, तो कॉपर की कहीं भी कमी नहीं रहने वाली। कॉपर एकदम ऐसा लगा देंगे बोर्ड में कि मज़ा आ जाएगा कस्टमर को। तो हर एक बोर्ड में आपको 70 माइक्रोन की जो है कॉपर मिलेगी हर पीसीबी में। ठीक है, तो क्वालिटी हमने और ज़्यादा अपग्रेड कर दी है, वैसे ही क्वालिटी हमारी इतनी अच्छी थी। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उन लोग जानते हैं कि क्या आपको क्वालिटी ऑफर करी जाती है। तो यहाँ पर जो बोर्ड है, इस बोर्ड के बारे में बात करें तो इसमें जो फीचर्स हैं, यहाँ पर देखेंगे आप वॉल्यूम लिखा हुआ है। जब तक आप इसमें वॉल्यूम का टोन नहीं लगाएंगे, वॉल्यूम कंट्रोल नहीं लगाएंगे, बोर्ड में इनपुट जो है नहीं जाएगा और आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर टोन आपको बोर्ड के साथ ही मिलेगी, और जितने भी इसमें कनेक्टर्स लगते हैं सारे कनेक्टर्स आपको साथ में दिए जाते हैं बोर्ड के। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है, तो इनपुट में आपको ऑडियो इनपुट देना होता है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप स्टीरियो इनपुट दें तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस इनपुट, तो आप इन दोनों में से एक इनपुट आप दे सकते हैं। यहाँ पर मोनो इनपुट जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट है, और यहाँ पर स्टीरियो इनपुट जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टीरियो इनपुट देंगे तो थोड़ा सा आउटपुट में फ़र्क आ जाता है, और मोनो देंगे तो भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 प्रीसेट लगे हुए हैं। ये वाला जो प्रीसेट है ये डीसी ऑफसेट के लिए लगा हुआ है, दूसरे वाले प्रीसेट का आपका काम नहीं है, इसको आपको नहीं छेड़ना है। ठीक है, यहाँ पर ये डीसी ऑफसेट के लिए होता है। ठीक है, ये इससे आप डीसी ऑफसेट इसका सेट कर सकते हैं हमारे ड्राइवर बोर्ड का। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे जितने सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं सारे तोशिबा के ओरिजिनल, बिल्कुल 100% ओरिजिनल। कोई भी इसको फेक प्रूफ कर देता है तो उसको बोर्ड फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सारा सेटअप ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और यहाँ पर जो स्पीकर प्रोडक्शन साथ में मिलती है इस बोर्ड में, यहाँ पर आप देखेंगे VCC प्लस, B प्लस, EE और ये B माइनस और VCC माइनस। तो ये सब चीज़ें यार लोगों को समझ में नहीं आती हैं, काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि आप लोगों को समझाने के लिए, या आप लोगों को कनेक्शन जिससे आसानी हो करने के लिए, उसके लिए हमने एक ये नई PCB बना दी है। ये PCB जो है इसकी हीटसिंक अभी तैयार हो रही है, हीटसिंक तैयार होते ही ये जो PCB है ये भी लॉन्च हो जाएगी, जो कि वर्क करती है ड्राइवर सेक्शन के साथ। तो इसमें 10 पेयर के ऑप्शन है, आप इसमें 10 पेयर लगा सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे सारे कनेक्शन दे रखे हैं, -70 वोल्ट DC, B- स्पीकर आउटपुट, B+ और 70 वोल्ट+। तो यहाँ पर जो है सारे कनेक्शन आप डायरेक्टली इससे कर पाएंगे, जो कि रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान। और यहाँ पर आप देखेंगे एक नया फीचर ऐड कर दिया है एमवी कलेक्शन ने, OCP, जिसे कहते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन, जो कि हमारे इस बोर्ड में भी है। कहने का मतलब, आप स्पीकर के तार जैसे शॉर्ट करेंगे, आपका जो बोर्ड है या आपका जो ड्राइवर सेक्शन है वो पावर को बिल्कुल कट कर देगा, प्रोटेक्शन मोड पर चले जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप स्पीकर के तार भी शॉर्ट कर देते हैं तो भी आपका जो ड्राइवर बोर्ड है या आपके ट्रांजिस्टर हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छी जो फीचर है वो सिर्फ आपको मिलता है एमवी कलेक्शन के पास। यहाँ पर आप देख रहे हैं लगा हुआ है OCP, यहाँ पर लगा हुआ है, इससे एक तार लेना है और वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। बाकी अभी ये बोर्ड जैसे ही तैयार हो जाएगा इसकी भी हम वीडियो बना देंगे, साथ में कनेक्शंस की चलाकर दिखाएंगे कि किस तरह से इसका OCP वगैरह सब कुछ काम करता है। तो ये जो बोर्ड होने वाला है बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें जो क्लिप वगैरह भी, क्लिप भी दे रखा है, क्लिप प्री क्लिप हो गया आपका, प्रोटेक्ट हो गया और सिग्नल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपको देना होता है 12 वोल्ट DC। तो ये जो बोर्ड है इसमें अगर आपको स्पीकर प्रोटेक्शन ऑन करनी है तो यहाँ पर 12 वोल्ट देनी होती है, और ये क्लिप हो गया आपका, क्लिप की LED यहाँ पर लगती है, और यहाँ पर क्या कहते हैं प्रोटेक्ट और सिग्नल। ठीक है,
तो ये बोर्ड जिसको खरीदना है ये आप जाकर वो फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी जो है आपको दोनों जगह सेम ही मिलती है, सेम ही बोर्ड मिलता है, तो आप दोनों में से कहीं पे भी जगह जाकर ले सकते हैं। बस याद रखना एम वी कलेक्शन का ही लेना है क्योंकि आपको चाहिए क्वालिटी, जिसको क्वालिटी नहीं चाहिए वो कोई और भी ले सकता है। तो अब बात करते हैं ये पी सी बी, अभी कुछ दिनों में इसकी भी वीडियो जाएगी और ये भी लॉन्च हो जाएगी साथ में, क्योंकि जो भी ड्राइवर सेक्शन होते हैं उसके साथ इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और उसमें जो एक्स्ट्रा फंक्शन जो हमने डाला हुआ है इस पी सी बी के अंदर, वो एक्स्ट्रा फंक्शन आपको किसी भी ब्रांड में या किसी भी लोकल बंदे के पास नहीं मिलने वाला है, जो इसमें ओ सी पी का हमने कनेक्शन डाल दिए हैं, जिससे कि आपका जो ड्राइवर बोर्ड है और जो आपके ट्रांजिस्टर्स है कभी भी नहीं फूकने वाले हैं। तो इसी तरह इस ड्राइवर बोर्ड को पावर देने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है ट्रोडल और कैपेसिटर्स वाली सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी सप्लाई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लगा हुआ है ये सॉफ्ट स्टार्टर के साथ है, शॉर्ट सप्लाई जिसको हम कहते हैं, और डबल रेक्टिफायर लगे हुए हैं। कुछ लोगों की शिकायत आती है कि उन्होंने कहीं और से किसी और यूट्यूबर से, किसी और यूट्यूब वाले से, लोकल बंदे से उन्होंने सामान ले लिया और उसके रेक्टिफायर बार बार उड़ रहे हैं या रेक्टिफायर बार बार ख़राब हो रहे हैं। तो भाई जब लोकल रेक्टिफायर लगा कर दिए जाएंगे या लोकल कैपेसिटर लगा के दिए जाएंगे तो भाई कुछ ना कुछ उन दोनों में से ख़राब होगा, बार बार होगा और 100% होगा। तो इससे बढ़िया अगर आपको अच्छा माल लेना है तो एम वी कलेक्शन से आकर एक बार परचेज़ करिए, कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो ये जो इसमें जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये अभी तक रूबीकॉन के लग रहे थे 15,100, तो लेकिन काफ़ी सारे लोग कह रहे थे झुंझल झुंझल, सबको झुंझल चाहिए, तो झुंझल जो था पूरे मार्केट से गायब हो चुका था, एक तरह से अदृश्य हो गया था, किसी को झुंझल दिख ही नहीं रहा था क्योंकि मिल ही नहीं रहा था किसी को भी। तो झुंझल की जो सॉल्यूशन है वो हमने निकाल दिया है, यहाँ पर हमने झुंझल की जो कैपेसिटर्स हैं वो डायरेक्टली इम्पोर्ट करा लिए हैं, बहुत ही मुश्किल से इम्पोर्ट हुए हैं, ये पूरे मार्केट में आपको कहीं पर भी अभी भी किसी के पास भी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इसका जो स्टॉक है वो बहुत सारा स्टॉक मंगाया हुआ है, ये सिर्फ आपको एक ट्रे दिखा रहे हैं, ऐसे ही हमारे पास 50 ट्रे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे मैं कैपेसिटर की क्वालिटी जो है निकाल कर दिखा देता हूँ एक बार, ये आप देखिए झुंझल का ओरिजिनल कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ एम वी कलेक्शन के पास मिलेगा, क्योंकि मार्केट में इसकी जो कॉपी है इसकी अवेलेबिलिटी ना होने के कारण बहुत ज़्यादा कॉपी हो चुकी है, और आप किसी और से लेंगे तो शायद हो सकता है आपको कॉपी भी मिल जाए। बाकी ये आप देख रहे हैं जो इसकी क्वालिटी है ना वो आपको अलग ही वीडियो में दिख रही होगी, जो चमक रहा है ना कैपेसिटर, ये झुंझल का 10,100 का बहुत ही शानदार कैपेसिटर है, इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये भी मिल जाएगा, या फिर आप चाहते हैं कि आपको सप्लाई में लगकर मिले तो ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटर्स हैं ये सारे इंपोर्ट हो चुके हैं, बहुत सारा स्टॉक है, तो जिसको लेना है बहुत ही अच्छे रेट पे और एकदम परफेक्ट 100% जेन्युइन गारंटेड आपको लेना है तो ले सकते हैं। अब ये बात हो गई हमारी ट्रोडल, ट्रोडल जो है हमारे गरी के गोले जो नहीं है, जो कि कहने का मतलब ये है कि गरी के गोले जो लोग बेच रहे हैं वो देख ले मेरा हाथ कितना बड़ा है, यहाँ पर देखें और ये हाथ पूरा मेरा इस पर आता है, ठीक है। तो ये जो ट्रोडल हैं ये बड़े बड़े अगर क्वालिटी में ट्रोडल लेने हैं तो आपको एम वी कलेक्शन के पास ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन लेंगे पूरी गारंटी होगी, कॉपर है आपको कॉपर ही मिलेगा, अगर कॉपर नहीं मिलता पूरे पैसे वापस और ट्रांसफार्मर भी रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेडल है ये आप ले सकते हैं या फिर सप्लाई ले सकते हैं या हमारा ड्राइवर बोर्ड। तो इन सब को चलाने के बाद इसकी जो टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग किस तरह से होती है हम उसमें यूज़ करते हैं, ये कहते हैं इस चीज़ को कहते हैं लोड रेजिस्टेंस, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक शायद हो सकता है ना देखी हो, ठीक है। ये होता है लोड रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर हम लोड डालते हैं, क्योंकि स्पीकर जो होते हैं उस पर लोड डाल के इतना अच्छे से टेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए ये इतने बड़े बड़े जो रेजिस्टेंस हैं आप देख रहे हैं कितना बड़ा रेजिस्टेंस है, इतने बड़े बड़े जो रेजिस्टेंस हैं वो यूज़ करें जाते हैं, जो कि आप एम वी कलेक्शन से परचेज़ भी कर सकते हो जिन लोगों को ज़रूरत हो। कुछ लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है टेस्टिंग वगैरह के लिए, जो एम्पलीफायर वगैरह बनाते हैं हमसे सामान लेकर, ठीक है। तो इसको आप परचेज़ भी कर सकते हो, या फिर हमने इसको इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है जिससे कि हम दिखा सकें किस तरह से हमारे जो बोर्ड हैं, जो हमारे ड्राइवर बोर्ड हैं, वो सारे किस तरह से टेस्ट होकर क्वालिटी चेक होकर निकलते हैं बाहर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि ये स्टेड का रेजिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे स्टील स्टेड की जो स्टील की प्लेट है वो यहाँ पर लगी हुई है, स्टेड 2000 वॉट 4 ओम, ठीक है। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं जिनको थ्रू हम अलग अलग ओम बनाकर 4 ओम 2 ओम 16 ओम 8 ओम सब पर टेस्ट करा जाता है हर एक बोर्ड को, तब जाकर आप लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो इनमें से कुछ भी सामान लेना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर आपको ये रेजिस्टेंस और ये ट्रोडल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अगर आपको कॉपर ओरिजिनल एकदम 100% जेन्युइन लेना है तो आपको व्हाट्सएप भी करना पड़ेगा। भारी भारी पीस लेने हैं 10-10, 12-12 किलो के, 8-8 किलो के, तो हमारे पास कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि आपको पता है बाकी लोगों ने जिन्होंने इधर उधर से खरीदा है उन लोग क्या गरी का गोला इतना छोटा सा आता है जिसको लेकर वो ना उसको खा सकते हैं ना उसको चला सकते हैं, 4 दिन बाद फूक जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे एक और नई चीज़ जो कि आने वाली है, एम वी कलेक्शन की लॉन्च होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो ये है आउटपुट ट्रांसफार्मर। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, आउटपुट ट्रांसफार्मर जो कि लगता है पीबीटी 501 में या फिर किसी भी अदर एम्पलीफायर बोर्ड में आप लोग लगा सकते हैं। तो ये जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है अब इसमें लेबलिंग नहीं हुई है, यहाँ पर लेबल से सारा कुछ लिख दिया जाएगा कि कौन सा पॉइंट जो है वो क्या होता है, क्योंकि ये अभी सैंपल बना हुआ है। और यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ पर स्पीकर इनपुट आता है, यहाँ से आउटपुट निकलता है आपका। तो ये आउटपुट ट्रांसफार्मर आपके बोर्ड को काफ़ी सेफ रखता है और आपके बोर्ड के आउटपुट भी बढ़ा देता है। तो ये जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है और
किसी के पास भी आपको नहीं मिलता है। तो एमवी कलेक्शन ने ये भी आप लोगों को देखते हुए, आपकी डिमांड देखते हुए, आपकी ज़रूरत देखते हुए ये भी अवेलेबल करा दिया है, ठीक है। तो ये कुछ दिनों में आपको इसकी भी वीडियो मिल जाएगी। तो बहुत सारी नई नई वीडियो आने वाली हैं, बहुत सारे नए नए बोर्ड होने वाले हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड होने वाले हैं जो कि पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, जो कि अभी हम रिवील नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है। तो आपको जो नए नए बोर्ड हैं उसका अगर आपको वेट है तो नीचे अगर कमेंट करिए, बताइए हमें कि सर आप कि आप कितनी जल्दी चाहते हैं और कितना सारा स्टॉक हम उसका बना कर रखें, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही वो बोर्ड लॉन्च होने वाला है सारा का सारा माल साफ हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो थी ये थी इस ड्राइवर बोर्ड के ऊपर, या फिर इनमें से कोई सा भी सामान आप खरीद सकते हैं। तो अगर आपको 5000 वाट का ड्राइवर बोर्ड चाहिए तो हमें जाकर व्हाट्सअप करें, या फिर कोई और भी सामान चाहिए एम्पलीफायर से रिलेटेड, कैबिनेट वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और नीचे जरूर लिखना आई लव एमवी कलेक्शन। जिस तरह से बदलाव ला रहा है एमवी कलेक्शन, जिस तरह से रेट्स में बदलाव आ रहा है, क्वालिटी में बदलाव आ रहा है, 70 माइक्रोन की पीसीबी मिल रही है सबको, ठीक है। तो ये बदलाव लाएगा एमवी कलेक्शन और बदलेंगे सब, ठीक है। तो आप जिस तरह से देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सस्ती हो गई हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में अपग्रेड हो रहा है हर किसी की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।